Hello everybody, welcome back to the next video. I hope you all are doing great. So if you are new to my channel, hi, my name is Aditi. Currently I am in third year and I am pursuing BTech in Mathematics and Computing from IIT Ropar. So इस video में as you can guess from the thumbnail, I will be giving you boys hostel tour. So let's just start the video. वीडियो एंड तक देखना टू मेक श्योर कि आप सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, आधा अधूरा देख के मत छोड़ जाना. हो सकता है दैट यू माइट गेट एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो मिस आउट मत करना, कंप्लीट वीडियो देखना. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉलेज में जो हमारे हॉस्टल्स हैं कितने हॉस्टल्स हैं. सो देयर आर टोटल 5 बॉयज़ हॉस्टल्स एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल्स. सो जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं उनके जो नेम हैं वो जो रिवर्स हैं उनके नेम पर रखा हुआ है. तो जो फर्स्ट ईयर्स थे पहले उन्हें अर्लियर दे यूज़ टू गेट चेनाब हॉस्टल्स, चेनाब वेस्ट विंग मिलती थी उन्हें, लेकिन बिकॉज अभी न्यू हॉस्टल्स बने हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को ब्रह्मपुत्र हॉस्टल मिलेगा. तो इस वीडियो में स्टार्टिंग में आई विल बी शोइंग यू ब्रह्मपुत्र हॉस्टल एंड देन फर्दर चेनाब एंड सम ग्लिम्सेस ऑफ सतलुज एज वेल. तो एक सीक्वेंस रहता है, एक हायरार्की है काइंड ऑफ, जो जिस वे से हॉस्टल्स मिलते हैं. तो फर्स्ट ईयर में आपको ब्रह्मपुत्र हॉस्टल मिलेगा, सेकेंड ईयर में यू माइट गेट चेनाब वेस्ट एंड थर्ड ईयर में चेनाब ईस्ट एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर यू विल गेट सतलुज हॉस्टल. और सतलुज हॉस्टल हमारे कॉलेज का दी बेस्ट बॉयज़ हॉस्टल है. तो जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज में आओगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो सबमिट करने पड़ेंगे केयरटेकर के रूम में. सो बेसिकली उसमें मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे याद है उसमें आपकी एक फ़ोटो चाहिए होती है. अब हॉस्टल्स जो हैं वो अलॉट कैसे होते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में जब जैसे आप न्यू आओगे तो आपको केयरटेकर के रूम में भेजा जाएगा और चिट सिस्टम के बेस पे आपको रूम्स अलॉट होते हैं. तो बेसिकली डिफरेंट रूम्स के जो नंबर हैं वो चिट में लिखे जाते हैं एंड रैंडमली यू हैव टू पिक वन. तो आपकी किस्मत कितनी है यू विल सी. आई एम सेइंग किस्मत कितनी है क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल यू विल गेटिंग फोर्थ फ्लोर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड यू माइट गेट ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है. दैट्स वाई उस टाइम देखा जाएगा कि आपकी कितना किस्मत आपके साथ देती है. फर्स्ट ईयर में जब हॉस्टल्स अलॉट होते हैं यू डोंट गेट दी चांस टू चूज़ योर रूममेट्स, सो इट्स कम्प्लीटली अनोनमस. आपको नहीं पता होगा कि आपका कौन हॉस्टल रूममेट बनने वाला है, इट्स गोइंग टू बी रैंडम. तो इस तरीके से आपको रूम्स जो हैं अलॉट हो जाएंगे, आपको कीज़ मिल जाएंगी. एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि अपने रूम्स के जो लॉक हैं वो अपने साथ रखना बिकॉज दे डोंट गिव यू द लॉक. सो बात कर लेते हैं हॉस्टल रूम्स की कि आपको हॉस्टल रूम में ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. तो यू विल गेट वन बेड, वन अलमीरा, वन स्टडी टेबल एंड वन चेयर. तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलेंगी. मेट्रेस आपको नहीं मिलता है तो यू नीड टू गेट दैट वन, यू कैन गेट ईजिली फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. और हॉस्टल रूम्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप रूम मेकओवर के लिए कर सकते हो, तो बॉयज़ हॉस्टल में आई डोंट नो कितना रूम मेकओवर होता है, गजब बेइज्जती है. लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू. एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज अलाउड नहीं होती, यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम केयरटेकर. अब जो हॉस्टल रूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होते हैं. आप अपना जो सामान है यू कैन कीप इट आइदर बेड के नीचे भी रख सकते हो या अलमीराज के ऊपर भी रख सकते हो. डिपेंड्स ऑन कि फर्स्ट ईयर में यार ऑनेस्टली थोड़ा स्पेस कम ही लगेगा बिकॉज यू हैव टू शेयर योर रूम विद योर रूममेट. बट लेकिन फर्दर अगर आप जब चेनाब ईस्ट जाओगे यू विल फाइंड कि जो रूम्स हैं वो एल शेप में होते हैं, तो इट इज़ मोर स्पेशियस देन ब्रह्मपुत्र का जो सिंगल रूम है या फिर जो ट्रिपल रूम हैं वो उनसे ज़्यादा स्पेशियस हैं. कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको हॉस्टल्स में मिलेंगी कि वी हैव द लॉन्ड्री सिस्टम एंड हॉस्टल्स में ही सभी डिफरेंट हॉस्टल्स के अपने अपने लॉन्ड्री सिस्टम्स हैं. इट्स नॉट कि कॉमन चार्जेस ज़्यादा नहीं होते, इट्स बकेट का इट्स अराउंड 15 रुपीज़. हर एक रूम में वाईफाई है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र हॉस्टल है इट्स न्यू तो अभी उधर राउटर्स नहीं लगे हैं, लेकिन उधर लेन लग चुका है. बाकी जितने भी हॉस्टल्स हैं वो उन सभी में राउटर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं. अब बात कर लेते हैं कि क्या कॉमन मेस है या फिर हर एक हॉस्टल की डिफरेंट मेस है. जो हमारा कॉलेज है उसमें देर आर ओनली 2 मेस, सो वो कॉमन मेस है. डिफरेंट हॉस्टल्स की डिफरेंट मेस नहीं है.
वी ऑल्सो हैव कॉमन रूम इन बॉयज़ हॉस्टल. सभी हॉस्टल्स के डिफरेंट कॉमन रूम हैं एंड इट्स नॉट कि अगर एक हॉस्टल है तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही कॉमन रूम है. सभी डिफरेंट फ्लोर्स में भी अपना कॉमन रूम है. एंड कॉमन रूम सिंस इसका नेम तो है, लेकिन गर्ल्स आर नॉट अलाउड इन दीज कॉमन एरियाज़. ये जस्ट बॉयज़ के लिए कॉमन रूम है. एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं एंड कॉमन टीवी भी है. जब भी कोई मैच होता है या फिर कोई मूवी स्ट्रीम करनी होती है तो वो यहीं पर होती है. ये जो कॉमन रूम्स हैं ये इतने ज़्यादा स्पेशियस हैं कि यू कैन ऑल्सो प्ले हेयर विद योर फ्रेंड. अब जो बॉयज़ हॉस्टल का जो जिम है ना, वो प्रॉपर जिम इफ़ आई हैव टू से दैट इज़ इन सतलुज हॉस्टल. जितने भी हॉस्टल्स हैं उन सभी में जिम इक्विपमेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन प्रॉपर जिम जो है वो सिर्फ सतलुज हॉस्टल में है. यहाँ पर सभी इक्विपमेंट्स हैं जिम के, एवरी इक्विपमेंट इज़ इन वर्किंग कंडीशन. और वी ऑल्सो हैव जिम रिप्रेजेंटेटिव एंड जिम इंस्ट्रक्टर एज वेल. यहाँ पर भी वाईफाई होता है. वी डोंट हैव एसी हेयर. जो ये जिम है इट्स ओनली फॉर दी बॉयज़. जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर गर्ल्स के लिए जिम है. अब जिम की फैसिलिटीज़ को इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेस तो डू यू नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर दैट? सो द आंसर इज़ नो. कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, बट आपको रजिस्टर में जस्ट एंट्री करनी होती है. वी ऑल्सो हैव लिफ्ट इन आर हॉस्टल्स. जितने भी हॉस्टल्स हैं सभी में लिफ्ट प्रोवाइड की गई है. एंड लिफ्ट की जो इम्पोर्टेंस है यू विल फील जब आप कॉलेज स्टार्ट होगा एंड आप घर से दूर होते हो तो सुबह जल्दी उठना इट इज़ समथिंग रियली चैलेंजिंग. तो जब 2 बजे क्लास होती है एंड 8:30 या 8:40 पे आप उठते हो तो यू नीड लिफ्ट जिससे आप जल्दी ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाओ. अगर आपका फ्लोर ऊपर है, लिफ्ट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल दी होस्टलर्स एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ स्टेयर्स एज वेल. एज जितने भी कॉमन एरियाज़ है वहाँ पे एसी नहीं है. इवन हॉस्टल्स में भी एसी नहीं है. वी जस्ट हैव एक्सेस टू दी फैंस एंड कूलर के लिए भी अलाउ करते हैं, लेकिन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस. एंड इन विंटर्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर हीट ब्लोअर एज वेल. तो सराउंडिंग्स अगर आप देखोगे तो हमारे कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है. एज आपने देखा होगा जब छिछोरे मूवी आई थी तो उस मूवी में डिफरेंट हॉस्टल्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स होता था, तो हमारे कॉलेज में भी हॉस्टल्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं. भी फेस्टिवल्स भी सभी एक साथ मनाते हैं हॉस्टल्स में. We don't have library for each hostel. We just have a common library in our college जहाँ पे both girls and boys can go. लेकिन different hostels की different libraries तो नहीं हैं. अब जितने भी पुराने hostels हैं हमारे college में वो सारे identically ही हैं in terms of infrastructure. कि जिस तरीके के से जो rooms हैं, जिस तरीके की जो buildings हैं जो चेनाब की हैं, it is similar to ब्यास and सतलुज. बट डिफरेंस यही है कि जो सतलुज हॉस्टल है वहाँ पे सिर्फ सिंगल रूम्स हैं, वेयर एज जो चेनाब है वहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स हैं, वहाँ पे ट्रिपल सीटर रूम्स नहीं हैं. वेयर एज जो ब्रह्मपुत्र हॉस्टल है वहाँ पर ट्रिपल सीटर रूम्स भी हैं और डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स भी हैं और सिंगल रूम्स भी हैं, और वहाँ पर 5 फ्लोर्स हैं. तो ओके चलो अब बात कर लेते हैं क्या जो हॉस्टल्स हैं एट IIT रोपड़ आर दे कोएड. इट मीन्स कि क्या गर्ल्स एंड बॉयज दे कैन गो टू ईच अदर्स हॉस्टल. रुको जरा सबर करो. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं दे आर नॉट कोएड एट ऑल. वी डोंट हैव अ पैनेट्री सिस्टम जहाँ पे यू कैन कुक फॉर योर सेल्फ. और हॉस्टल्स में यू विल गेट वन विंडो जहाँ से आप नज़ारे देख सकते हो. मेरी सामने वाली खिड़की में क्या बात है सर, एक चांद सा टुकड़ा रहता है. यू कैन सी इजीली क्योंकि ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में
one wing is for boys and another wing is for girls. About the advantages of Brahmaputra hostel. So सबसे पहला है जो ये hostel है mess के काफ़ी ज़्यादा close है और एक काफ़ी न्यू है तो सब चीज़ें आपको हॉस्टल्स जो हैं सारे जितने भी फर्नीचर है इट्स नॉट कि काफ़ी ज़्यादा पुराने इट्स वेरी न्यू ज़्यादा ख़राब कंडीशन में नहीं मिलेंगी तो यू विल नॉट फील एज इफ कि आप किसी हॉस्टल में एक्चुअल में रह रहे हो इफ़ यू सी ओल्ड IITs के हॉस्टल्स जो काफ़ी पुराने हैं तो वो एक्चुअली में लगता भी है कि हाँ हॉस्टल हैं बट सिंस दीज हॉस्टल्स आर न्यू तो इट आई थिंक समटाइम्स इट गिव्स मी अ काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं हॉस्टल में ना रह के एक गेस्ट हाउस में रह रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग सफाई हर रोज़ होती है डेली बेसिस पे होती है एंड अगर आपको कभी रूम भी अपना क्लीन करवाना है यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग जो भी आपके फ्लोर में जो भी जिनकी भी ड्यूटी लगती है साफ करने की सो यू कैन ask them and वो आपके rooms clean कर देंगे room clean करवाने से मतलब ये है मेरा कि अगर आप चाहते हो कि आपका floor जो है वो clean हो तो सिर्फ वो floor clean करते हैं जो girls hostel है वहाँ पे females होती हैं और जो boys hostel है वहाँ पे male जो होते हैं उनकी duties लगी होती है to clean that particular floor it's important for all the students कि वो hostels में रहें काफ़ी rare case होता है कि कॉलेज जो है अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो डे स्कॉलर रहें बट मोस्ट ऑफ द टाइम सभी स्टूडेंट्स को इट्स कंपलसरी कि वो हॉस्टल्स ज्वाइन करें वहीं पर रहें एंड आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड आई वाज एबल टू टेल एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग इफ़ कुछ भी मिस हुआ हो मेक श्योर टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन And also, you can ask your queries related to JEE or any college-related stuff on the Telegram group. I will provide the link in the description box. And वहाँ पे I will be able to address your queries more efficiently because comment section में it is possible कि बहुत सारे comments miss हो जाते हैं जिनको मैं properly answer कर पाती हूँ. तो I thought कि let just make a group जहाँ पे I will be answering your queries. एंड सिमिलर डाउट्स अगर किसी और स्टूडेंट को भी होते हैं तो उसके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करेंगे दिस ईयर IIT रूपर आई होप वी विल मीट सून इन द कैंपस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड जो भी जिस भी टॉपिक के बारे में यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई विल बी मोर हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय